एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम 10th और 11th की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपको पता ही होगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर एक UFM की नोटिफिकेशन जो है वो आ गई है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट पार्ट वन में यानी कि क्लास 11th में पढ़ रहा है वो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखे, इसमें आपका नाम मत है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, उसके बाद आप खुद ही जो है वो कन्फ्यूजन उसका आपको दूर हो जाएगा कि इसमें आपका रोल नंबर मत है या फिर आप इसमें मत हो। अगर आप इसमें हो तो इसका मतलब है कि आप जो है आपको जाना होगा JK बॉस ऑफिस, जो कि आपको पड़ता है बिमना में। अगर आप जम्मू से हो तो आपको रिहारी कॉलोनी जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये जो शिफ्ट वाइज इन्होंने यहाँ पर निकाला है, ये फिलहाल के लिए रिहारी कॉलोनी जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर शिफ्ट दो है, शिफ्ट फर्स्ट में क्लास 11th के स्टूडेंट्स है, और शिफ्ट सेकेंड में क्लास 10th के स्टूडेंट्स है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा जो शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है क्लास 11th को, वो हो जाएगा। इसका डेट है 11 नवंबर 2024 को, और सुबह से लेकर 1 बजे तक, यानी कि 10:30 से लेकर 1 बजे तक जाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा शिफ्ट है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, और ये है किन स्टूडेंट्स के लिए? जम्मू के स्टूडेंट्स, 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, उसके बाद और एक नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। ये जम्मू के लिए है, और जम्मू के लिए 10th की भी आ गई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जम्मू से हो, UFM की नोटिफिकेशन आपके लिए आई है, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर चेकआउट कर सकते हो। और UFM की नोटिफिकेशन का मतलब यही है, अगर आपका रोल नंबर गलत है या आपका जो है वो केस हुआ है या फिर आपने मिसबिहेव किया है, तो यहाँ पर आपका जो है वो जो है टाइम लेते हैं कि आप आ सकते हो रिहारी कॉलोनी, और वहाँ पर आप अपना जो है वो नाम चेक कर सकते हो, और आपका रिजल्ट आराम से फिर आ जाएगा। अगर आप अटेंड नहीं हुए तो समझ लो कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, और इसका जो डेट है वो 7 नवंबर से होने वाला है स्टार्ट। ठीक, उसके बाद और एक नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। ठीक, और वो नोटिफिकेशन जो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक, देखो तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, वो अब जम्मू की UFM की नोटिफिकेशन वो मैंने कंप्लीट की है। अब यहाँ पर है कश्मीर की UFM की नोटिफिकेशन। ठीक, यानी कि इसमें दो डिविजन्स होते हैं, जम्मू और कश्मीर। सबसे पहले हम क्लास 10th की जो नोटिफिकेशन है, उसके बाद क्लास 11th की UFM नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूंगा। ये है कश्मीर की। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो आप जा सकते हो रिहा, जो जम्मू बिमना में है, श्रीनगर बिमना में जाना पड़ेगा आपको। वहाँ पर आपको अटेंड करना पड़ेगा फ्राइडे के दिन, ठीक है ना, यानी कि फ्राइडे आज ही था, आज आपको जाना था। और यहाँ पर अपना रोल नंबर मत इस आपने अटेंड तो किया होगा, ठीक है ना। अगर इसमें दूसरा शिफ्ट भी है 11th, तो जो है जो कल होने वाला है सैटरडे को 9 नवंबर 2024 को, वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको। और इसमें अगर आपका रोल नंबर है तो आप जा सकते हो, अगर आप नहीं गए समझ लो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर आ सकता है, या फिर 5 डेज के अंदर अंदर आ सकता है। ठीक, और जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये UFM की नोटिफिकेशन क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, अनफेयर मीनस होता है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मिसबिहेव करते हैं एग्जाम हॉल में, या फिर जिनको केस हुआ है, या फिर जिनको रोल नंबर नहीं लिखा है अपने आंसर उस पर, और उनको वहाँ पर बुलाया गया है, और वो वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, उनका रोल नंबर चेक किया जाएगा, और फिर वो जाएंगे घर। अगर आप नहीं गए समझ लो आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा। ठीक, रिजल्ट जो है आपका 15 नवंबर तक आ जाएगा, क्लास 10th का लास्ट में आ जाएगा, क्लास 11th का जो मैंने आपको बता दिया है। फिर फिलहाल आप 10th को समझो, 10th का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, लास्ट में 11th का आ जाएगा। ठीक, फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो था, लाइक शेयर जरूर करने दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।